بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صلوات جیسا کہ پٹیل پارک میں میں نے عرض کیا تھا کہ ٹیلی ویژن کے متعلق ہم کو جو کچھ بھی کہنا ہے ہم خالق دین ہال میں کہیں گے، تو آپ کی خدمت میں صرف یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے ٹیلی ویژن پر گفتگو کی اور اپنی گفتگو میں انتہائی احتیاط کے ساتھ نہ لفظ تنقید استعمال کیا نہ لفظ اعتراض استعمال کیا، بلکہ جیسا کہ احتیاط کا تقاضا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری درخواست ہے کہ اس کے پروگرام اس طرح سے معین کیے جائیں کہ جس میں اس بات کا لحاظ رہے کہ آپ ان مبارک دنوں میں کچھ دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کو یہ جواب ملتا کہ موسیقی نہیں ہے یا فلمز نہیں ہیں یا ڈراماز نہیں ہیں، جواب یہ ملا کہ پھر تو کراچی کے سینما بند کروا دیجئے، پھر تو زاہدان کا ریڈیو اسٹیشن جو نغمے نشر کرتا ہے اس کو رکوا دیجئے، یہ کوئی صحیح جواب نہیں تھا، صحیح جواب نہیں تھا۔ اور یہ ایک فطرت ہوتی ہے ان انسانوں کی جن کو ان کا جھوٹا پریسٹیج تباہ کرتا ہے۔ پریسٹیج کے معنی آپ کو معلوم ہے نا، کہ جو اپنی جھوٹی عزت کو منوانا چاہتے ہیں، یہ ان کے ہمیشہ سے طریقہ عمل میں یہ بات رہی کہ اذا قیل له اتق اللہ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اقذت فل عزت بالاسم، تو اس کی جھوٹی عزت اس کو گناہ پر مصر کر دیتی ہے، وہ گناہ پر اصرار کرنے لگتا ہے۔ بہرحال جب یہ اصرار ہوا اور باوجود مختلف آوازوں کے ہم نے کوئی صحیح جواب نہیں پایا، تو ہم ایک ہی صورت اختیار کر سکتے تھے اور ہم نے صدر محترم کو متوجہ کیا
और सदर मोहतरम को हमने मुतवज्जे किया उन्हीं तकीर के जुमलों से जिनको मैं कह चुका था कि अगर नौहे नहीं पढ़े जाते हैं, सलाम नहीं पढ़े जाते हैं, मरसिये पढ़ना मुनासिब नहीं है, तो गुज़िश्ता 10 बरस के कारनामों को प्रेसिडेंट के एक एक दिन करके 10 मरतबा बयान किया जाए ताकि दुनिया ये समझे कि ये इदारा कुछ काम कर रहा है, बजाय इसके कि सिर्फ फिल्म्स दिखलाए जाएं और डिमोरलाइज्ड बातें जो गिरी हुई अखलाक की बातें हैं वो बतलाई जाएं। उससे बेहतर तो यह है कि इंसान कुछ काम की बातें करे, वो किसी तबके ख्याल के लिए मुनासिब हो। मैंने ये इत्तला दी और मैं आपके मालूमात के लिए यह अर्ज कर रहा हूं कि तन्हा ये पाक मुहर्रम एसोसिएशन ही का तार नहीं था जो अभी प्रेस के हवाले किया गया है, बल्कि कराची के मुख्तलिफ जिम्मेदार आदमियों ने डायरेक्टर जनरल रेडियो को, सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट को अपने तासुरात भिजवा दिए हैं। यकीनन एक न एक दिन मानना पड़ेगा जो कहा जा रहा है। नई नई बातें हैं इसलिए यह समझा जा रहा है कि हम जिस तरह से चाहे ले जाएंगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझाने के और भी तरीके हैं, मगर हम चाहते हैं कि पहले बहुत ही सहूलत के साथ, आसानी के साथ इस वाकये को समझाया जाए। आज मुहर्रम की 5वीं तारीख हो चुकी है और अभी हम 2-4 दिन जवाबात के इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद तफसीली तौर पर गुफ्तगू होगी और फिर हम जिस अम्र को तलब करेंगे हुकूमत से, वो जाहिर है कि इस इदारे के लिए यकीनन हैरतनाक होगी। हम बहुत पहले से इस अम्र को मुतला कर देना चाहते हैं इस अम्र से कि यह तरीका कुछ मुनासिब नहीं है, कुछ मुनासिब नहीं है। हुकूमत के नाम से एक इदारा जब काम कर रहा है तो उसको अवाम के एहसासात का और जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई किससे कहे कि फिल्म न हो, कोई बुरी बात नहीं है अगर कोई किसी से कहे कि सर इतने दिनों तक आप मुस्लिम को बंद करें या नमाज को बंद करें। अरे हिकमत की बातें बतलाएं। मैंने उस दिन तकरीर की कि मुसलमान हुकमा के कारनामे बतलाएं, मुसलमान बादशाहों के एडमिनिस्ट्रेशन को बतलाएं। अरे जो आप जिसको हक समझते हैं वही दिखलाएं, बजाय ड्रामे के, मूसीकी के, बजाय इसके कि यूरोप और अमेरिका से आंखें उधार मांगकर और उनसे आंखें भीख मांगकर आप तमाशे दिखाने की कोशिश करें। अच्छा है ना कि इस्लाम की तारीख ही को दोहराने की कोशिश करें। मगर मुसीबत यह है कि जब हम उनसे कहते हैं कि इस्लाम में ऐसे ऐसे फर्जंद गुजरे कि जिन्होंने यूरोप की बुनियाद इल्म अमल को हिला के रख दिया, तो ताज्जुब से हमारी सूरत देखते हैं, रूदाद चमन सुनते हैं इस तरह कफस में जैसे कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। कितने अफराद हैं इस्लाम में, कितने अशखास हैं इस्लाम में, कैसी तारीख है इस्लाम की। अरे जिसको आप अच्छा समझे, जिसको आप अच्छा समझे, उन्हीं के मुताल्लिक गुफ्तगू हो। कोई मखसूस बात नहीं है। कभी यह दरख्वास्त नहीं की गई कि शोहदाय करबला का तस्करा कीजिए। शोहदाय करबला किसी के मोहताज नहीं है, आपको मालूम है, किसी का मोहताज नहीं। कोई तस्करा करे ना करे, हम रहें या ना रहें, यह जिक्र रहने के लिए है, यह जिक्र रहने के लिए है। वह एहतियाज नहीं है, इसलिए एहतियाज नहीं है, इसलिए कि तेरे रब का कलमा सिदाकत और अदालत के साथ खत्म हो चुका। वह गुंजाइश नहीं है, वह गुंजाइश नहीं है। जहां फितरत कायनात सदाकत और अदालत की तरफ जाएगी वहां आले मोहम्मद है। जहां फितरत कायनात सदाकत और अदालत की तरफ जाएगी वहां कलमा के इलाही है। इसलिए एक मरतबा फिर गौर कीजिए कि शहदा को, अइम्मा को, आले मोहम्मद को मरहून एहसान करने का कोई सवाल नहीं है कि उनके तस्करे होंगे या नहीं होंगे। उनके तस्करे होंगे, गुलाम जिंदा हैं, किसी औरों से तस्करा नहीं सुनना चाहते हैं। ये बातें पेश नजर रहे, हमने इत्तला दे दी है और जैसा कि अभी मैंने कहा
शायद अभी वक्त नहीं है कि वो सारे नाम लिए जाएं कि किस किस ने कराची से पिंडी को तार दिए हैं। और इस मजमे में बहुत से मेरे वो दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने इस कोशिश में मेरा साथ दिया और मुझे उस उन तारों के नुकूल रवाना किए। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला, तेरे रब का कलिमा सदाकत और अदालत के साथ था। ला मुबद्दिल लकलिमा, उसके कलिमात को कोई तब्दील करने वाला नहीं। अभी जो रुबाई आपने सुनी ना, जहन में है आपके, कलिमात हक को कोई बदल ही नहीं सकता, कलिमात हक को कोई बदल नहीं सकता। ला मुबद्दिल लकलिमा, कोई तब्दील करने वाला नहीं है, जगह बदलने वाला नहीं है। कलमे को हटा के किसी और को उस मकाम पर मुअय्यन करना यह भी मुमकिन नहीं है। इस वास्ते हक ऐलान करता है कि यह हक ही का मकाम। बहरहाल गुफ्तगु आगे बढ़ रही है, चंद बातें आज याद रखिए, इसलिए कि वक्त कम है और बहुत सी बातें कहनी हैं। देखिए, सिद्क और अदल, सिद्क और अदल सही माना में तनासुब सही का नाम है। आप इल्म से इस्तेफादा करना चाहते हैं, तनासुब सही का नाम है, यानी जहां रेशियो दुरुस्त हो, जहां निस्बतें सही हो, यह सिद्क है, यह अदल। और जब ये दोनों एक जा मिल जाते हैं तो इतना तनासुब सही होता है कि वह हुस्न है। निस्बतें जब दुरुस्त हो जाती हैं वो हुस्न, जहां हुस्न है मोहब्बत है। समझ रहे हैं, सिद्क को अदल एक जा हुए, खुद सिद्क को अदल ने पुकार के कहा कि सिद्क में हुस्न है, अदल में हुस्न। सिद्क को अदल का एक जा होना हुस्न का कमाल है, जहां हुस्न का कमाल है वो मरकज मोहब्बत है, वो मरकज मोहब्बत है। जहां मरकज मोहब्बत है तो सिद्क व अदल पे आगे बढ़ने वाले मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं, मुहिब भी हैं, महबूब भी हैं। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनको दो सकता है, वो अल्लाह को दो सकता है। तो मैंने शायद कभी अर्ज किया, ये चंद लफ्ज हमेशा याद रखने के काबिल हैं इल्मी एतबार। चंद लफ्ज, सिद्क, अदल, हुस्न, खैर, हक, ये सब के सब सही माना में हुस्न के मुख्तलिफ परतों हैं, हुस्न हक के मुख्तलिफ परतों। हक के माना भी वही है कि निस्बत सही हो, अदल के माना भी वही है कि तनासुब दुरुस्त हो, सिद्क के माना भी वही है कि सारी निस्बतें ठीक हों। हक के माना भी यही है, अदल के माना भी यही है, खैर के माना भी यही है, सिद्क के माना भी यही है, हुस्न के माना। और इस एतबार से, इस एतबार या सिद्क कहिए या अदल, जब यह दर्जा कमाल पे पहुंचता है, जब यह दर्जा कमाल पे पहुंचता है तो मिजाज में इस्मत आ जाती है, तो मिजाज में इस्मत आती है, यानी अब गुनाह नहीं आता। जहां अदल कमाल पर है वहां इस्मत है। इसलिए कहा गया कि अदल के लिए मीजान इस्मत है। मासूम है, मासूम है। एक फलसफी ने खुतबे के दौरान में हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात असदुल्लाह अल-गालिब अली इब्ने अबी तालिब से अर्ज किया, इब्ने रसूलुल्लाह मौलाए कायनात, आप इतना बतलाएं कि फलसफा आपने देखा है यूनान का, आपने शत्रु यूनान का फलसफा क्या है, तू क्या कहना चाहता, का कुछ नजर है, का यूनान के फलसफे को क्यों देखते। अगर फलसफा नाम है हकीकत कायनात का, बहुत गौर से, और अगर हकीकत कायनात नाम है सैर कमाल बशर का, तो अलैसा मन अतदल तबाहु सफा मिजाजो, क्या ऐसा नहीं है कि जिसके मिजाज में एतदाल पैदा हुआ सफाए मिजाज आया। अलैसा
मन तदला मिजाज हूँ सफा मिजाज वो मन सफा मिजाज हूँ कवा असरी नफ्स फी और जिसके मिजाज में सफाई आई नफ्स में कुव्वत पैदा हुई वो मन कवा असर नफ्स फी फकत सारा मौजूदा बेमा हुआ इंसान दूना ही यकून मौजूदा बेमा हुआ हैवान जहां कल्ब में सफा पैदा हुई वो इंसान बना वो इंसान बना हैवान नहीं रहा फकत दखला फी बाबिल मलकी सुवरी और वो चलते फिरते ऐसे मकाम में दाखिल हो गया जहां जाहिर में वो इंसान है हकीकत में फरिश्ता है। मिजाज में जो एतदाल पैदा हो जाता है तो मलकूती कैफियत पैदा हो जाती है मलकी सिफात पैदा हो जाते हैं। तो कौल यहूदी अल्लाह अकबर अबना अबी तालिब लखत न तकल फलसफा कुल्लह यहूदी ने कहा अल्लाह अकबर अबू तालिब के बेटे आपने तो पूरे फलसफे को बयान कर दिया। तो उसके माना ये है कि एतदाल मिजाज इंसानियत की सबसे बड़ी तमन्ना है कि मिजाज में एतदाल पैदा मिजाज में एतदाल और मिजाज में एतदाल उसी वक्त आ सकता है जबकि इंसान अपने आप को ताबे मर्जी हक कर दे कि अब गुस्सा इसका गुस्सा नहीं खुशी इसकी खुशी नहीं गम इसका गम नहीं मसर्रत इसकी मसर्रत नहीं अब जो कुछ भी हो अल्लाह के लिए यह है एतदाल मिजाज का कमाल। और जहां एतदाल मिजाज पैदा हुआ इस्मत आ और जहां इस्मत आ गई थोड़ी सी गुफ्तगू दुनिया चूंकि ऐसे इंसानों को अपनी आंखों से देखती रही कि ये चलते हैं फिरते हैं खाते हैं सोते हैं जागते हैं उठते हैं बैठते हैं मगर इनसे कहा जाता है कि ये मासूम है दुनिया मानने को तैयार नहीं है मानने को तैयार नहीं है कि ये मासूम है क्यों इसलिए कि दुनिया अपनी सतह पर देखती है अपनी सतह पर देखती है वो उसके एतदाल मिजाज का अंदाजा नहीं लगा सकती इसके मिजाज में एतदाल नहीं है इसलिए यह गुनाह की तरफ माइल है वो दूसरे के मुतालिक भी यही समझता है कि उसके मिजाज में भी एतदाल नहीं है इसलिए सही तौर पर आज भी दुनिया इस्मत को न समझ सकी इस्मत को न समझ सकी अगरचे उलमा और इस्लाम के उलमा आज ये कह रहे हैं कि नबी मासूम है नबी मासूम है आज ये कह रहे हैं और मजबूरन कहना पड़ता है वरना सारे अहकाम शरीयत पे हार पाता है। नबी मासूम क्यों मासूम है इसलिए कि आदिल है आदिल है और आदिल है इसलिए कमाल सिद्क का दाई है और कमाल सिद्क यह है कि अल्लाह के पास सिद्क को लेकर आया है जो कुछ कह रहा है अपनी तरफ से नहीं कह रहा है अल्लाह की तरफ से कह रहा है मगर न समझा गया है और अजीब अजीब बातें नबी से मंसूब की गई मगर देखना यह है कि अगर अक्ल वाले बहुत कम हैं और वही समझ भी सकते हैं कि इस्मत क्या है सिद्क़ और अदल क्या है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसी आयत में वाज़ह कर दिया गया कि वह तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही इन तुते अक्सर अमन फिलाफ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह अगर तुमने अक्सरियत की पैरवी की तो यह तुमको अल्लाह की राह से हटा देंगे अगर अक्सरियत की पैरवी की तो यह अल्लाह की राह से हटा देंगे यत्तबिउना इल्ला ज़न ये तो अपने अंदाजों की पैरवी कर रहे हैं हकीकत की नहीं अपने अंदाजों की पैरवी कर रहे हैं इन्हों में ला यखरसून इनकी बातें सब गलत हैं। अच्छी हाल है दुनिया का कि मैं समझता हूं फितरत इंसानी का धारा ये कि सब चले इंसान चला सब रुके इंसान रुका सबों ने सोचा ये भी समझता है कि हाँ हम भी इसी तरह से सोच सकते हैं मगर कभी इंसान ने इस अंदाज पर गौर नहीं किया कि अगर ये सब के सब गलत राह पर जा रहे हैं
तो क्या मैं इनका भी साथ दे दूं? क्या मैं इनका साथ दे दूं? नहीं। इसलिए जहां आदिल का कुरान ने गुफ्तगू की वहां वाज़ह तौर पर कहा ज़रब अल्लाहु मसलन रजुलैन, अल्लाह ने दो आदमियों की मिसाल दी, अहदुहुमा अबकमु, एक उनमें का गूंगा है, ला यक़दिरु अला शयइन, वो किसी बात पे कादिर नहीं है, हुआ कल्लुन अला मौलाहु, ये अपने मौला पे बार बना हुआ है, ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैरिन, जहां उसका मालिक भेजता है कभी नेकी से वापिस ही नहीं आता, हल यस्तवी हुआ वमन यअमुरु बिल अदल वहुवा अला सिरातिन मुस्तकीम, क्या ऐसा आदमी उस आदमी के बराबर हो जाएगा जो अदल से हुक्म दे और सिरात मुस्तकीम पर चले? कुरान ने मिसाल दो आदमियों की, एक वो है कि जहां नेकी का तसव्वुर ही नहीं, एक वो है कि जो अदल पे कायम है, अदल का हुक्म देता है, कायनात के मिजाज में अदल है, मिजाज तकवीन में अदल है, जर्रे जर्रे में अदल है, हर शय अपने सही मकाम पर रखी हुई है, अदल है, खालिक ने हर शय उसके अपने मकाम पर रखा है, अदल है, यानी उसने खुद कहा मा युबद्दिलुल कौलु लदैया, मेरी बातें बदलती नहीं, मेरा कौल बदलता नहीं, मा अना बेजल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों पर जालिम नहीं हूं, इतना आदिल है। क्या बात थी नहीं मालूम, क्या बात थी नहीं मालूम कि उसूल दीन से आदिल को हटाया गया। कुछ आप फिक्र कर रहे हैं, उसूल दीन से आदिल को हटाया गया, और जब यह कहा गया खुदा आदिल है तो क्या क्या मजबूर करोगे उसको? क्या आदिल पे मजबूर करोगे? जो चाहे करे, जो चाहे करे, अरे हकीम वही करेगा जो आदिल है। भाई थोड़ी सी तवज्जो, वो हकीम का अमल वही होगा जो आदिल है, मगर क्या बात है जो उसूल दीन से आदिल को हटाया? थोड़ी सी तवज्जो और शायद तकरीर इसी मंजिल पर हम खत्म करें। क्या बात है कि तौहीद से आदिल को हटाया? सिर्फ इसलिए हटाना पड़ा कि अगर तौहीद में आदिल को बाकी रखा जाए तो नबूवत में इस्मत लाजिम है। यह बड़ी तवील बहस है। अगर वहदत इलाही के तसव्वुर के साथ आदिल को बाकी रखा जाता है तो उस आदल का लाजमा यह है कि जो हादी आए वो मासूम हो। थोड़ी सी तवज्जो, और जहां यह पता चल जाए कि हादी मासूम है तो वो एक लेवल बनाता है, एक सतह कायम करता है, और जब इंसान उस सतह पर आ नहीं सकते, उस लेवल पे आ नहीं सकते, तो बजाय इसके कि खुद ऊंचे हो नबी को खींचते हैं नीचे। नबी को नीचे खींचते हैं कि क्या जरूरत है इस्मत की? तो तौहीद में आदल और नबुव्वत में इस्मत, ये अहम तरीन अज्जा थे। इसलिए कि आदल के लिए मीजान इस्मत है, आदल का लाजमी नतीजा यह है मिजाज इंसान में आए तो मासूम कर दे, मासूम कर दे, उसका फेल लगो ना हो। थोड़ी सी तवज्जो, अगर दुनिया आदल आले मोहम्मद को न जाने, दुनिया इस्मत आइम्मा को न पहचाने तो यही गलतियां होती हैं। करबला क्यों गए? जानबूझ के क्यों गए? दुश्मनों को जानते हुए ऐसे मकाम पे क्यों गए कि जहां यकीन था कि वहां से मदद नहीं मिलेगी? ये शुबहात क्यों पैदा हुए? फकत इसीलिए, इसीलिए कि इमामत ही समझ में नहीं आई, इमामत ही समझ में नहीं आई, और अगर इमामत समझ में आए तो मकसद समझ में आता है, जब मकसद समझ में आता है तो पता चलता है कोई काम लगो नहीं है, कोई काम लगो नहीं है। करबला सिद्क़ व अदल का कमाल है, करबला सिद्क़ व अदल का कमाल, करबला वो मंजिल है जहां एक एक जर्रा इस्मत हुसैन की गवाही दे रहा है।
और ऐसी मंजिल पर जब असहाब की बारी खत्म हुई, जुहैर गए, हबीब गए, आबिस इब्ने अबी शबीब शाकिरी गए, मुस्लिम ने औसजा गए, होर गए, और जब रिश्तेदारों की बारी आई तो एक मर्तबा अपने जवान बेटे को दे, सर से लेकर पैर तक दे और कहा तकदम वलदी अली अकबर, अब तुम चलो, पहला शहीद बनी हाशिम में 18 बरस का लाल अली अकबर, तुम चलो तकदम वलदी। खेमे में कोहराम मच गया, ज़ैनब एक मर्तबा खेमे के पर्दे के करीब आई और फिज़ा से कहा, फिज़ा भाई को तो बुला, क्या मेरे बच्चे जीते रहेंगे और अली अकबर जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। और उधर अली अकबर मैदान की रजा पाकर हशाश बच्चा बाप के कदमों पर झुके ही थे कि बाप ने सर को उठा के सीने से लगाया, कहा अली अकबर मैं तो जाता हूं बहन के पास, तुम जाओ अपनी मां के पास, तुम जाओ अपनी मां के पास। अली अकबर गए, जाते ही मां के कदमों पर झुक गए। उम्मे लैला ने सर को उठा के सीने से लगाया, कहा मेरे लाल मैं समझ गई तुमको रजा मिल गई, तुमको मैदान की रजा मिल गई। अली अकबर मैं नहीं रोकूंगी मेरे लाल, तुम परेशान न होना, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो उम्मे लैला नहीं रोके, जल्दी बाहर आए। और बाप से कहा मां ने इजाजत दे दी तो हाथ थामा। कनीज ने खैमे का पर्दा उठाया, बाप बेटे को लेके शहजादी ज़ैनब के पास था। ज़ैनब ने भाई को देखा, फिर अली अकबर को देखा और बेख्तियार का अली अकबर इसी दिन के लिए पाला था, अली अकबर इसी दिन के लिए पाला था कि तुम यूं चले जाओ। अली अकबर तुम नहीं जाओगे, पहले मेरे बच्चे जाएं। अली अकबर तुम नहीं जाओगे, और भी अइज्जा मौजूद हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा बहन कुछ कहना है, आज हुसैन के लिए इम्तिहान का दिन, आज हुसैन इम्तिहान दे रहा है। बहन याद रखो करबला नाम है पंजाबल पाक के मुरक्के का। बहन अगर तुम वालिदा गरामी की नयाबत कर रही हो और अगर मैं अपने नाना की नयाबत कर रहा हूं और अगर अब्बास अली की नयाबत कर रहे हैं और अगर कासिम हसन की नयाबत कर रहे हैं तो अली अकबर मेरी नयाबत कर रहा है। बहन अगर मेरे सामने मेरे नाना पे कोई वक्त आता तो सबसे पहले मैं जान देता, इसलिए नायब रसूल चाहता है कि पहले नायब हुसैन जाए। शहजादी ज़ैनब चुप हो गए। हुसैन उठे, अली अकबर का हाथ में थामा, अपने खेमे में आए, आवाज दी मेरे लिबास के संदूक लाओ। संदूकों को खोला, नाना का लिबास निकाला, नाना की आबा पहनाई, नाना का अमामा पहनाया, नाना के असलहे जंग से आरास्ता किया, सर से लेके पैर तक जवान बेटे को दे और कहा अली अकबर जब कभी मैं नाना को देखना चाहता था मैं तुमको देख लिया करता। अच्छा अली अकबर सिधारो। बाहर आए, आवाज भी कोई है मेरे बच्चे के लिए सवारी का लाने वाला? किसी ने उकाब को हाजिर किया, मेरा बेकस मौला घोड़े के करीब पहुंचा, मेरा बेकस
कस मौला घोड़े के करीब पहुंचा और कहा हाँ बेटे सवार हो जाओ। अली अकबर तस्लीम बजा लाकर जब रिकाब में पांव रख के पुश्त ज़ीन पर बुलंद हुए तो बे अख्तियार अर्ज किया बाबा खुदा हाफिज। बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा अच्छा मेरे लाल अच्छा अच्छा चलो। और जैसे ही बेटा घोड़े पर सवार होकर चलने के लिए आमादा हुआ पहले हुसैन ने कुरान की आयत पढ़ी। आयत ये थी इन्नल्लाह सफा आदमा व नूहन व आल इब्राहिमा व आल इमरान अलल आलमीन। और उसके बाद एक मरतबा उमर साहब को देखा और कहा अपना साथ खुदा तेरी नस्ल को कता कर दे, तूने मेरी नस्ल को कता किया। अपना साथ कता अल्लाह हो नस्लत कमा कता था नस्ली, खुदा तेरी नस्ल को कता करे, तूने मेरी नस्ल को कता किया। और ये कह के आहिस्ता आहिस्ता हुसैन चले। अली अकबर ने मुड़ के देखा, देखा बाबा भी आ रहे हैं। रुक के कहा बाबा आप क्यों आ रहे हैं? कहा मेरे लाल तुम नहीं जाते हो, मेरी जान जा रही है। अली अकबर, अली अकबर मेरी जान जा रही है। इतना सुनना था कि अली अकबर ने सवारी को रोका, घोड़े से कूद पड़े, बाप के करीब आए। 18 बरस का लाल ऊंचा खत था अली अकबर का, बाप के गोशे हुमायूं के पास लबे अकदस ले जाकर बाप से आहिस्ता कुछ कहा। जैसे ही कहा हुसैन चीख मार के रोए, चीख मार के रोए। अली अकबर की सवारी को गई, एक मरतबा ज़ैनब ने पुकार के कहा क्या बात थी? बेटे ने क्या कहा? बेटे ने क्या कहा? आप क्यों रोए? कहा ज़ैनब दुनिया में कायदा होता है, दुनिया का कायदा है कि बूढ़ा बाप जवान बेटे को मरते वक्त वसीयत करता है। ज़ैनब ये बेटा मुझको वसीयत करता है कि बाबा जब मैं मर जाऊं मेरी लाश खेमे में न लाना, मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ परदेसी है।